नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त शरद जमखंडीकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल में, जिसका नाम है गोविंद टेक्नो गुरुजी। मेरा जो चैनल है गोविंद टेक्निकल सॉल्यूशंस अब बन गया गोविंद टेक्निकल गुरुजी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस डेप्थ वर्नियर कैलिपर के बारे में डिटेल से बताऊँगा। क्या है डेप्थ वर्नियर कैलिपर, इसके बेसिक पार्ट्स क्या है, किस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, सो इसके बारे में कम्प्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो इस वीडियो के अंत में इस बीम से रिलेटेड एक अमेजिंग फैक्ट्स आपसे शेयर करूंगा। तो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल गोविंद टेक्नो गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते आज के वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी इस डेप्थ वर्नियर कैलिपर के बारे में जानना ज़रूरी है। सो ये जो डेप्थ वर्नियर कैलिपर है, ये बेसिकली यूज़ करते हैं हम डेप्थ मेजर करने के लिए। आप 0 से लेकर 150 mm तक डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। सो अब जा मेरे हाथ में जो डेप्थ वर्नियर है, सो इसका मेक है मिटुटियो और इसका लीस्ट काउंट है 0.02 mm। सो अब जानते हैं इसके बेसिक पार्ट्स के बारे में। इसे हम कहते हैं बेस, ये हो गया बेस, और ये है वर्नियर स्केल, ये है लॉक स्क्रू, इससे हम रीडिंग लॉक कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं बीम, इस पार्ट को कहते हैं बीम, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशंस भी है 0 से लेकर 150 mm तक। सो इसे हम मेन स्केल भी कहते हैं। सो ये हो गया इसके बेसिक पार्ट्स के बारे में। अब हम जानते हैं किस तरह हम इसका ज़ीरो एरर चेक करेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं किस तरह हम इस वर्नियर डेप्थ वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर चेक करते हैं। इसके लिए आप एक फ्लैट सरफेस लीजिए और इसे ऐसे बट कीजिए। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे ऐसे बट कर दिया है और इस लॉक स्क्रू को लॉक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बीम है इस बेस से एग्जैक्टली मैच हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ज़ीरो है, वर्नियर्स का ज़ीरो, ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से ज़ीरो या बीम से ज़ीरो, और ये जो 10th डिवीज़न है ये भी एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। सो अब हम इसे कह सकते हैं इसमें कोई एरर नहीं है, ये ज़ीरो एरर है। सो इस तरह हम इस डेप्थ वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर चेक कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं मेजरिंग प्रोसेस की ओर। मैं आपको इस वी ब्लॉक का स्लॉट डेप्थ चेक करके दिखाता हूँ इस डेप्थ वर्नियर कैलिपर से। सो उसके लिए आप वर्कपीस लीजिए और इस डेप्थ वर्नियर कैलिपर को प्लेस कीजिए। सो पहले बेस को वर्कपीस के ऊपर प्लेस कीजिए और इस बीम को मूव कीजिए जब तक ये स्लॉट बेस को टच ना हो जाए। अब ये बेस को टच हो गया है और अब लॉक स्क्रू को लॉक कीजिए, आपका रीडिंग हो गया लॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो सो मेन स्केल का रीडिंग है 5। सो जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये 5 और 6 के बीच में है, यानी मेन स्केल रीडिंग है 5 mm। और हम दूसरे जो डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, सो वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, उसे चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 1 नहीं हुआ है, 2, 3, सो 4 है, ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है सो मेन स्केल डिवीजन से। सो इसलिए इस वर्कपीस का स्लॉट डेप्थ है 5 mm + 0.4, सो टोटल डेप्थ हो गया है 5.4 mm। सो इस वर्कपीस का, सो इस वी ब्लॉक का स्लॉट डेप्थ हो गया है 5.4 mm। सो इस तरह हम इस वर्कपीस का स्लॉट डेप्थ मेजर कर सकते हैं सो इस डेप्थ वर्नियर कैलिपर के। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं इस बीम से रिलेटेड एक अमेजिंग फैक्ट आपसे शेयर करूँगा। क्या है वो अमेजिंग फैक्ट आप देख सकते हैं। सो अब देखिए किसी भी वर्नियर बीम को या ब्लेड को उस पर रेडियस दिया जाता है। क्यों ये रेडियस दिया जाता है आप जानते हैं? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो अगर जो स्लॉट आप मेजर कर रहे हो डेप्थ, वहाँ पे कुछ रेडियस हो तो आप उसे परफेक्टली डेप्थ मेजर नहीं कर सकते। सो इसलिए ऐसा रेडियस दिया जाता है ताकि अगर उसमें कोई रेडियस हो, स्टेप हो, फिर भी आप डेप्थ को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं किसी भी वर्नियर में हो, डेप्थ वर्नियर कैलिपर में हो या वर्नियर कैलिपर में, आप देख सकते हो ऐसा रेडियस दिया जाता है ताकि डेप्थ में मेजर करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी एड्ज में अगर कोई रेडियस हो या कुछ स्टेप हो, फिर भी आप देख सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सकते। सो ये है अमेजिंग फैक्ट। कैसा लगा अमेजिंग फैक्ट? सो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल गोविंद टेक्नो गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।